कोई अपना गन्ना कर रहा है घर में बैठ के कि भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि ये महागठबंधन का वोट काटेंगे। मुसलमान लोग चिंता में पड़ा है, अगर जब सुराज तो बड़ा अच्छा है लेकिन जाएंगे तो कहीं महागठबंधन का वोट कटेगा, भाजपा को फायदा होगा। जो भाजपा का वोटर है वो चिंता में पड़ा है, ये भाई जब सुराज को वोट देंगे कहीं ऐसा ना हो कि फिर लालू का राज आ जाए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं जब ये दल बनेगा न महागठबंधन का वोट काटेगा ना भाजपा का वोट काटेगा, ये भरोसा रखिए। ये एक बार जब खड़ा हुआ तो इतना वोट भाजपा का कटेगा ना आरजेडी का, दोनों को काट के साफ करता, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बझ के बुझना और बुझ के बझना, हम बझ के बुझने वाले में से नहीं है कि बिहार आ गए और उसके बाद कह रहे भाई यहाँ तो बड़ा जाति है कैसे होगा, ए भाई यहाँ तो लालू नीतीश मोदी है कैसे होगा। हम लोग बुझ के बझने वाले हैं, दो बरी शोध करके पढ़ के समझ के अध्ययन सर्वे करके तब आए हैं, और अगर आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाता दिमाग में बना कर लाए, ये तय करके आए हैं कि इसको करने में कितनी ताकत लगेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। दो बरस में जितना पसीना हमने बहाया है, जितने गांव में हम रहे हैं, जितना घंटा हम यहाँ काम कर रहे हैं, 75 साल में किसी नेता का दम नहीं है कितना करके दिखा। इतनी मेहनत करेंगे कैसे नहीं मानेगा, यहाँ के समाज को घर घर जाकर समझाएंगे। आखिर आपके हमारे बच्चों का सवाल है, लोग कहता है भैया बहुत कठिन काम ले लिए, हम आपको बता रहे हैं ये कठिन है इसीलिए हमको करना है, कोई नहीं करेगा इसलिए हम करेंगे, हमारा हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा। बिहार में अगर हमारा हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा।